नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसलीन अरोड़ा, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिशियन एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल अमृतसर। फ्रेंड्स, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनली एंड नेशनली टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जिसे हम कहते हैं जिगर में सोजिश आना। हम बच्चों में बात करें तो हेपेटाइटिस 5 कॉमन वायरसेस की वजह से हो सकता है, जिसमें से हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई मोस्ट कॉमन होते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई गंदे पानी से, जो पानी सीवरेज के कांटेक्ट में आया है या फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में आया है या कुछ खाना आपने जब ग्रो किया है, अगर वो फीकल मैटर के कांटेक्ट में आया है और बच्चे अगर इसका सेवन करते हैं तो बच्चों को हेपेटाइटिस ए या ई की भी शिकायत हो सकती है। मोस्ट ऑफ द बेबीज हेपेटाइटिस ए और ई सेल्फ रिजॉल्विंग होते हैं और अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, बट कुछ बच्चों में हेपेटाइटिस ए और ई से एक्यूट फल्मिनेंट वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है और बच्चे लिवर फेलियर में भी जा सकते हैं, जिसके लिए बच्चों को ICU एडमिशन की ज़रूरत रहती है। हेपेटाइटिस ए और ई से हम अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीनिक मेजर्स फॉलो करें, जैसे कि अगर सब्जियां वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे कच्ची सब्जियां ना खाएं या उनको हम अच्छे से धो के फिर यूज़ करें, वॉशरूम और टॉयलेट यूज़ के बाद हाथ अच्छे से धोएं और साफ पानी पिएं एंड आप अपने फिल्टर्स की रेगुलर सर्विस कराते रहें। कुछ बच्चों में हम वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं। ये वैक्सीनेशन प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध है और इसका हम 2 डोजेज में बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों को फुल प्रोटेक्शन मिलती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, सी और डी इन्फेक्टेड ब्लड के कांटेक्ट में आने से, जैसे कि अगर हम इन्फेक्टेड अनप्रोटेक्टेड नीडल से बच्चों को इंजेक्शन लगवाते हैं या हम इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर अच्छे से चेक नहीं हुआ ब्लड, तो बच्चों को हेपेटाइटिस बी और सी की इन्फेक्शन हो सकती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी कैन कॉज क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन द बेबीज, क्रॉनिक लिवर फेलियर एंड लिवर कैंसर ऑल्सो। सो हाउ टू प्रोटेक्ट अवर बेबीज फ्रॉम दीज? एक तो हम हर बारी इंजेक्शन के लिए न्यू नीडल्स यूज करें एंड वी यूज एंड ट्राई टू अवॉइड एज मच ब्लड ट्रांसफ्यूजन एज पॉसिबल इन किड्स। और बच्चों को किसी अननोन जगह से आप इंजेक्शन ना लगवाएं या टैटूज भी कई बारी हम बच्चों के ऊपर इंग्रेव करवाते हैं, तो वी शुड अवॉइड दैट। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गिविंग फ्री वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन टू ऑल द किड्स स्टार्टिंग एट बर्थ। ये 3 डोजेज में दिया जाता है एंड इफ द बेबीज आर गिवन ऑल द वैक्सीन्स सो वी कैन प्रोटेक्ट आवर बेबीज फ्रॉम हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। सो डियर पेरेंट्स, मेक श्योर दैट योर बेबी इज वैक्सीनेटेड अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए ऑल्सो एंड बी ऑल्सो टू गिव देम लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।